कि बहुत बार क्या है कि जो यूएसए की समस्या है वो विश्व की समस्या है, जो यूरोप की समस्या है ये विश्व की समस्या है। सेम जयशंकर प्रसाद जो मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एक जर्नलिस्ट को, उन्होंने बोला था कि यूरोप को लगता है कि जो यूरोप की समस्या है वो विश्व की समस्या है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ये यूरोसेंट्रिज्म है और कोलोनियल माइंडसेट है कि जो आपकी दिक्कतें हैं वो सबकी दिक्कतें हैं, लेकिन जो हमारी दिक्कतें हैं केवल हमारी दिक्कतें हैं। तो इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड है, उसकी प्रॉब्लम्स को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अल्टरनेट मॉडल देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे भी नेगोशिएट कर सकते हैं। इंडिया का जो अप्रोच है वो जानने की कोशिश करेंगे, इस अप्रोच के फायदे क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया का अप्रोच ये है, पहली बार तो इंडिया ने यूक्रेन वार में कोई भी साइड नहीं दिया और इंडिया ने फूड पे, एनर्जी पे और सिक्योरिटी जो इशूज है उन पे फोकस करने की कोशिश, वो करने के साथ साथ इंडिया कहीं ना कहीं समिट होस्ट कर रहा है और इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से ये क्लेम करा है कि हमें अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप चाहिए G20, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लाना है, ग्लोबल साउथ को साथ लाना है, इसके हिसाब से एक अच्छा पॉइंट है। फिर कहीं ना कहीं एक और जो अप्रोच इंडिया ने काम किया है वो है कि इंडिया ने डेमोक्रेटाइज करा है पूरे के पूरे प्रोसेस को, जो ये मीटिंग है अक्रॉस इंडिया है और कहीं ना कहीं एक अर्ली समिट भी है कि बहुत कंट्रीज पहले आ जाएगी, कि एक कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश है जैसे एशियान में होता है बाकी जगह होता है। तो ये जो डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटी वोट था उसको चैलेंज करके इंडिया कहीं ना कहीं कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब की चैलेंजेस क्या मेंशन करें, इन्होंने की चैलेंजेस बताए हैं, G20 के जो मेंबर्स हैं वो काफी फ्रैक्चर्ड हैं, फ्रैक्चर्ड मतलब क्योंकि मेंबर 20 हैं, तो सबके जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट अलग अलग है, तो जियो पोलिटिकल जो टेंशन है उसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्सेंसस में पहुंचने की पॉसिबिलिटी कम। दूसरा इकोनॉमिक जो टर्मोइल है, जो इकोनॉमिक लेवल पे बहुत सारी दिक्कतें हैं उसकी वजह से क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे, वो एक चैलेंजिंग है क्योंकि इकोनॉमिक टर्मोइल होने की वजह से G20 का इकोनॉमिक डोमेन में योगदान क्या होगा, कि अगर आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं होते तो आप मोबिलाइज क्या करेंगे रिसोर्सेस। तो G20 में जो इकोनॉमिक डोमेन है उसमें तीसरा जो इंडिया चैलेंज फेस कर रहा है वो है कि चाइना कैसे स्पॉइलर का रोल कर रहा है, चाइना का ना आना, बॉर्डर इशूज को थ्रू करना, ये भी इंडिया के लिए एक चैलेंज है। और कहीं ना कहीं जो टाइम है इंडिया के पास कॉन्सेंसस बनाने के लिए वो टाइम बहुत लिमिटेड है, तो इस तरह से आप इंडिया को देखेंगे। फिर इंडिया ने कहीं ना कहीं जो की मोमेंट्स हैं इंडिया के, कि आप इंडिया ने G20 को फिर से रिवाइव करने का कोशिश करा है, उसने एक विटिलिटी लाने की कोशिश की है, और जो ट्रू विजन है वासुधैव कुटुंबकम का कि एक अर्थ एक परिवार एक फ्यूचर, जो कहीं ना कहीं विजन है G20 का उसको पूरा करने की कोशिश की। फिर क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे पे हो गया, इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पे हो गया, इन मुद्दों पे उन्होंने बातें की। तो कभी भी कोई आर्टिकल जब आप पढ़े आप उसका सार निकालने की कोशिश करें कि पूरे आर्टिकल में किनारे वाले जो आर्टिकल है उसमें क्या क्या बातें होती। और आगे बढ़ेंगे उनमें से जो बगल में एक आर्टिकल है उस आर्टिकल को देखने की कोशिश करें, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये आर्टिकल लिखा गया है। और इस आर्टिकल की खास बात यह है कि बहुत अच्छे से लिंक किया गया है चीजों को, कि जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज हमें क्या लगता है कि सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पे कोई बात कही जाती है, कि लैंग्वेज कुछ और भी है। इनका ये कहना है कि लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही, लेकिन उसके बियॉन्ड भी वो बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करती है, जिनमें कल्चर एक पार्ट है, आपका लाइफ स्टाइल एक पार्ट है, बहुत सारे एस्पेक्ट उसमें होते हैं। फिर इन्होंने अलग अलग तरीके से जो आर्ग्यू करने की कोशिश की, जिसका एक लाइन में सार ये है कि जिस तरह से हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश करते हैं वैसे ही हमें लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब ये कैसे बिल्ड करते हैं पूरा आर्ग्यूमेंट वो देखते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का पता लगे। तो शुरू ऐसे करते हैं कि लैंग्वेज कहीं ना कहीं लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है वो अलाउ करती है कि डिफरेंट जो ग्रुप हैं वो अपना यूनिक आइडेंटिटी और कल्चर बना के रहें, और इस दौर में जब इनका यूनिक आइडेंटिटी और कल्चर लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ है, हमें ये नोटिस करते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस डिसअपीयर हो रही हैं। और इस हिसाब से यूनेस्को की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग 42 इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं जो डिसअपीयर हो सकती हैं, ये यूनेस्को ने बताया।
अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर हम वर्ल्ड लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं कि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो तो अर्जेंट नेटिशन कहता है, सिमिलर लिंग्विस्टिक जो हेरिटेज है उसको भी बचाने के लिए हमें एक अटेंशन की जरूरत है। ये वर्ल्ड वाइड बात करते हैं कि लगभग 7,000 लैंग्वेजेज ऐसी हैं जो मदर टंग के तौर पर बोली जाती हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स ने प्रेडिक्ट किया है वो ये कहा है कि लगभग 40% जो लैंग्वेजेज हैं वो अगले 100 साल में डिसअपीयर हो जाएंगे। ये बोलने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन 40% लैंग्वेजेस का मतलब जान रहे हैं 10 में से हर 4 लैंग्वेज डिसअपीयर हो जाएगी। अगर आप अपने आसपास 10 लैंग्वेजेस जानते हैं आसपास सुनते हैं तो उनमें से 4 नहीं होंगे। फिर जो 10 मेजर लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में बोली जाती हैं वही कहीं ना कहीं आधी पॉपुलेशन वही लैंग्वेजेस बोलती है। और फिर ये बताते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका जो नेटिव स्पीकर है उससे बहुत गुना ज्यादा लोग सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर उसको एक्सेप्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो है कि लैंग्वेज लॉस हो क्यों रहा है, कि लोग अपनी लैंग्वेज क्यों खो रहे हैं या क्या है। तो जब भी आप किसी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे कि साइंस में जब हम पढ़ते हैं कि किसी चीज की यूटिलिटी जो होती है उस पर बहुत बार उसका सर्वाइव करना ना करना डिपेंड करता है। तो आज के तौर पर लैंग्वेज की यूटिलिटी क्या है, क्या जॉब मार्केट में वो लैंग्वेज इतनी वैल्यूएबल है, क्या जब हम बाहर जाते हैं तो वो लैंग्वेज इतनी वैल्यूएबल है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिनसे हम ये लिंक कर सकते हैं कि चीजें कैसे चल रही हैं कैसे नहीं चल रही। फिर हम जब और आगे देखने की कोशिश करते हैं तो ये समझेंगे कि कैसे ये जो डिसअपीयरेंस है उसके लिए माइग्रेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कि जो माइग्रेशन है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए। तो ये बताते हैं कि माइग्रेशन कहने के लिए एडॉप्शन की तरफ बढ़ाता है, जहाँ पे जो डोमिनेंट लैंग्वेज है हम उसको मानने लग जाते हैं होस्ट कंट्री का और उसकी सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी के साथ मर्ज कर लेते हैं। जैसे इंडियन जो विदेशों में ट्रेवल करते हैं वो वहाँ की लैंग्वेज और सारी चीज़ें कैसे लिख ले देते हैं या मान लेते हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि वो कैसे इन चीज़ों को देखते हैं लिंक करते हैं। तो ये पैटर्न बताते हैं कि कहीं जब पहला जनरेशन कोई माइग्रेट होता है तो वो बाइलिंगुअल हो जाता है, दोनों लैंग्वेज आती है। जो सेकंड लैंग्वेज सेकंड जनरेशन आती है तो ये लोग पहली जनरेशन वाले जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है, सपोज करें कि कोई अवधी बेल्ट से है, मैथिली बेल्ट से है, वो इंग्लिश स्पीकिंग एरिया में जाता है तो वो सीख खुद तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेगा, लेकिन जो अपनी मैथिली है बाकी लोकल लैंग्वेज वो अपने आने वाले बच्चों को ट्रांसफर नहीं करेगा, जिससे बहुत बार दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब दिक्कतें क्या होंगी, बाद में लैंग्वेज डिसअपीयर हो जाएगी। फिर है कि जो थर्ड जनरेशन होगी वो उतनी प्रोफिशिएंट नहीं होगी लैंग्वेज में। फिर लैंग्वेज का जो लॉस है डाइवर्सिटी के सेंस में उसको मेजर करने के बारे में बातें करते हैं कि एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, वो क्वान्टिफाई करता है कि मदर टंग कितना ज्यादा डिक्रीज हुई है, उसकी डाइवर्सिटी कितनी डिक्रीज हुई है। और ये कहता है कि लगभग 20% लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी डिक्रीज हुई है 1970 से लेकर 2005 तक, और 7 डिक्लाइन रहा है अमेरिका में 60%, पैसिफिक में 30% और अफ्रीका में 20%। लकीली इंडियन सब कॉन्टिनेंट इस मामले में उतना डिक्लाइन नहीं रहा है। फिर कॉन्सिक्वेंसेज जो बताए हैं इन्होंने कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो कहते हैं लैंग्वेज जो होती है क्योंकि यूनिक आइडेंटिटी कल्चर ट्रेडिशन और नॉलेज सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो जो इंटायर कल्चरल पर्सपेक्टिव है आइडेंटिटी खो जाएगी। और कहीं ना कहीं जैसे बायोलॉजिकल लॉस में हम लोग को दिक्कत होती है कि जैसे हम बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाना चाहते हैं, सिमिलर तौर पे जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज के तौर पे कितना लॉस होगा कितनी चीज़ें होंगी वो हम देख सकते हैं, तो उसके लॉस से क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। तो फिर अब आगे हम जो बढ़ते हैं तो अभी हम क्या कर सकते हैं इससे, जब हमें इतना खतरा है तो यूनेस्को ने इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो बताया वो आपको याद रखना है कि लगभग 42 लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो कहीं ना कहीं 10,000 से कम स्पीकर्स हैं उसको बोलने वाले, और एंशियंट जो टंग है ट्राइबल कम्युनिटीज की जो कल्चरल ट्रेडिशन में रिच है उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और इसलिए क्या क्या हम कर सकते हैं, रिकमेंडेशन में ये बताते हैं कि आपको ग्लोबल अवेयरनेस की जानकारी ग्लोबल अवेयरनेस करेंगे जैसे बाकी मुद्दों पे करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है जो इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें। फिर आपको क्रिएटिव सोल्यूशन खोजने की जरूरत है, और जो लूजिंग लैंग्वेज है कि आप कहीं ना कहीं वो जो लॉस हो रहा है उसके बारे में सोच के आप कंसर्न रह सकते हैं। इस आर्टिकल में इतना ही है,
अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आर्टिकल की है वो है कि कैसे लैंग्वेज को कल्चर के साथ जोड़ा हुआ है ये बात। अब यहाँ पे एक आर्टिकल हैप्पी मोहन जयकर जो जेएनयू में एक प्रोफेसर है, इनके आर्टिकल लगातार आते हैं और काफी क्रिस्प और अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। जब भी इनके आर्टिकल्स आप पढ़ें आप एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ सकते हैं, इनके आर्ग्यूमेंट से आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं वो आपका जो है, लेकिन इनका लिखने का तरीका काफी अच्छा होता है यूपीएससी स्तर के रहते हैं क्योंकि काफी इन्फॉर्मेशन ड्रिवन होता है कि अगर आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें आपको 25 से 30 जानकारी मिल जाएगी। तो ये बताते हैं कि एक हिस्टोरिक कैम्प डेविड समिट हुई है अगस्त में जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लीडर्स ने मिलकर एक नई स्ट्रेटजिक पार्टनर शुरू की है अपने 3 जो ट्रेडिशनल अलाइज हैं उस देश पे। और साथ साथ एक तो यही इशू हो गया, दूसरा है कि इंडिया और साउथ कोरिया जो है 50 साल अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं रिलेशनशिप के, और फिर इंडो पैसिफिक में कुछ चीजें हो रही हैं उस ओवरऑल फ्रेम में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन या साउथ कोरिया की जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ शिफ्ट आ रहा है जिससे हम कहीं ना कहीं लेसन ले सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उन चीजों को डिकोड कर सकते हैं। तो जो हम साउथ कोरिया की बातें करते हैं, साउथ कोरिया के बारे में कुछ बेसिक बातें आप मैप से देख सकते हैं कि साउथ कोरिया कहाँ पे है क्या है, साउथ कोरिया का इतिहास देख सकते हैं, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से कैसे अलग हुआ वो देख सकते हैं, चाइना के साथ साउथ कोरिया के क्या रिलेशन है, अभी जो कल्चरल डोमेन में साउथ कोरिया का इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड, जो इनकी म्यूजिक या कल्चरल मूवीज के थ्रू या बैंड के थ्रू जाता है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब वो क्या है उसके बारे में बातें करें, साउथ कोरिया जो है कैसे अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशन क्या है और उस रिलेशनशिप के बीच में फिर हम देखेंगे कि क्या जो शिफ्ट हो रहा है उससे इंडिया का कितना फायदा है। तो 2022 में इंडिया और साउथ कोरिया के जो रिलेशन है उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। कैंप डेविड जो समिट है यूनिसेफ जापान और कोरिया की, वो कहीं ना कहीं एक डिसीजिव शिफ्ट दिखाते हैं कि कैसे सियोल जो है साउथ कोरिया वो अपनी स्ट्रेटजिक थिंकिंग बदल रहा है। जो चाइना के गुस्सा न करने की आदत थी उसकी या पहले की पॉलिसी थी उसको वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो चेंज है स्ट्रेटजिक शिफ्ट में पार्टनरशिप में वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो फिर आगे जो है बात ये है कि जो कैम्प डेविड अकॉर्ड हुआ है, कैम्प डेविड समिट हुई है, उसमें रिलेशन टोक्यो और सियोल के बीच में जो है वो ठीक हो रहे हैं जापान और साउथ कोरिया के बीच जो बहुत दिनों से टेंशन में थे। यूएस जो लेड अलायंस है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, अब साउथ कोरिया के डोमेन में अगर आप देखें साउथ कोरिया जो है अभी तक चाइना के नजदीक माना जाता था, जापान से चाइना की दुश्मनी है, साउथ कोरिया को प्रॉब्लम थी जापान से, साउथ कोरिया अमेरिका के साथ उतना एसोसिएट नहीं कर रहा था, लेकिन इस कैम्प डेविड अकॉर्ड से जो जापान के पास साउथ कोरिया जाता है अमेरिका के पास जाता है उससे चाइना के से दूर जाने की एक प्रवृत्ति बन रही है जो कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा इंडिया के लिए। तो इसने क्या किया है, जापान और साउथ कोरिया को पास ला दिया है। जो यूएस लेड अलायंस है खासतौर पर क्वैड हो गया और कुछ करके है, तो ये जितने ग्रुप्स हैं उनके लिए कितना फायदा है इससे, और ईस्ट एशिया में जो ये चीजें बढ़ रही हैं या हो रही हैं उससे कैसे हम लिंक कर सकते हैं चीजों को वो देख सकते हैं। फिर जो लॉन्ग स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग है कि सियोल जो है खासतौर पर साउथ कोरिया वो क्वैड का हिस्सा बनना चाह रहा है कि क्वैड का हिस्सा बन के कैसे चीजें कर सकते हैं नहीं कर सकते उसके बारे में है। फिर जो ग्लोबल पिवट स्टेट बनाना है जो उनके साउथ कोरिया के लीडर हैं उनकी ख्वाहिश है, एक इम्पॉर्टेंट जैसे जब भी हम पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं तो जब हम मिडिल ईस्ट के क्राइसिस रसिया अफगानिस्तान इन सब में बात करते हैं, पिवट स्टेट ऐसा स्टेट होता है जो उसका सेंट्रल स्पेस होता है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से बहुत इंटरेस्टिंग वो प्लेस रखता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो साउथ कोरिया की लोकेशन देखेंगे साउथ चाइना सी से रसिया जापान यूएसए उन सबके बीच में ऐसी जगह पर होने से स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, तो वो उनका भी गोल है कि वो एक खुद को प्योर स्टेट बना दें। ये बातें हैं यहाँ पे। फिर जो की फैक्टर्स है इंडिया साउथ कोरिया टाइम में उनमें आपको देखना है कि क्या क्या दोनों के बीच में है। तो पहला है स्ट्रेटजिक लोकेशन जो साउथ कोरिया की है वो चाइना के नजदीक है और यूएस का एलाई होने पे इंडिया के लिए एडवांटेज है, ये आपको है। फिर कहीं ना कहीं शेयर्ड दिक्कतें भी हैं इंडिया की, जैसे इंडिया को चाइना से दिक्कत है साउथ कोरिया को भी चाइना से दिक्कत है, और कहीं ना कहीं चाइनीज जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं डोमिनेट करने का पूरा रीजन, उसकी वजह से साउथ कोरिया ये चीजें इवॉल्व कर रहे हैं।
फिर एक बात इसमें है कि इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशन कैसे हैं, तो इंडिया और साउथ कोरिया जो है वो नेचुरल पार्टनर्स हैं, बहुत सारी प्रॉक्सिमिटी है, जैसे एग्रीमेंट भी है सेपा करके बोलते हैं, तो वो भी इंडिया और साउथ कोरिया ने साइन करा हुआ है। अभी हम लोग को क्या करना है, प्रोसेस ऐसे डेवलप करने हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस कैपेबिलिटी यूजफुल हो जाए साउथ कोरिया की इंडिया की, और बैलेंस कर रहा है यूएस चाइना के रिलेशन को एक यूनिक पर्सपेक्टिव में। अब इसमें इन्होंने रिकमेंड भी किया है कि हमें एनुअल फॉरेन समिट जो है हाई लेवल पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की करनी चाहिए, 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है उससे डीपर स्ट्रेटजिक और डिफेंस कोऑपरेशन कर सकते हैं, रेसिप्रोकल प्राइम मिनिस्टर विजिट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, फ्रेमवर्क में डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ा सकते हैं। और ये कहते हुए कहते हैं कि जो साउथ कोरिया है एक पिवट स्टेट है और इंडो पैसिफिक जो विजन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बैठता है, और इस तरह से पूरा का पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो देने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक दो बातें जो मैं आपको और बता देता हूँ, जो वो है कि इंडिया और साउथ कोरिया के जो रिलेशन वो इतने इंटरेस्टिंग रिलेशन क्यों है, जब भी इंडिया और साउथ कोरिया की हिस्ट्री आप देखेंगे ना, तो इंडिया साउथ कोरिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। पुरानी मतलब कि खासतौर पर इंडिपेंडेंस के बाद, आपने कभी सुना है कि इंडिया ने जो साउथ कोरिया का वॉर था उसमें एज ए पीस मेकिंग पार्टी काम किया था, और उस पीस मेकिंग पार्टी की वजह से इंडिया की काफी गुडविल भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो इंडिया को किन किन एरियाज में कोऑपरेट करना है और इंडिया ने क्या क्या करा हुआ है, तो इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, अभी बातें चल रही है उसको अपग्रेड करने का, क्योंकि साउथ कोरिया एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, उसके बारे में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको कहीं ना कहीं 50 बिलियन करने का प्लान किया है इंडिया ने कि 2030 तक हम 50 बिलियन पहुंच करेंगे, और एक रेगुलर सप्लाई चेन जो रिजिलियंस है इसका भी एक कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई चेन रिजिलियंस की, सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो इसके बारे में, उसको लेके भी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करेंगे। फिर आपको सेपा के बारे में पता होना चाहिए, सेपा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट एक फ्री ट्रेड जैसा पैक है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रेड एग्रीमेंट ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो ये तो हो गया रिलेशन। फिर इंडिया चाइना जो रिलेशन था जो अभी मैंने आपको बताया कि उसमें इंडिया चाइना रिलेशन में 1950 से 1953 तक एक वॉर हुआ था, कोरियन वॉर जैसे हम बोलते हैं, जहाँ एक पार्टी को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, एक पार्टी को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर वाले पार्ट से साउथ कोरिया से, फिर एक सीज फायर लाइन लगती है दोनों के बीच में, वहाँ पे इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीज फायर में। 2015 में जो पार्टनरशिप है इंडिया और साउथ कोरिया की उसको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में बदल दिया, और साउथ कोरिया की जो साउदर्न पॉलिसी है उसमें इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया की एक पॉलिसी है एक ईस्ट पॉलिसी, वैसे उनकी एक पॉलिसी है साउदर्न पॉलिसी, उसके तहत वो इंडिया से एंगेज कर रहे थे। और ये बातें हैं ट्रेड रिलेशन के बारे में आपको जान लेना है, और फिर डिफेंस में कोऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जैसे एक अभी हमने क्या करा है एक्सरसाइज की है सहयोग के नाम से वो करा है, फिर इंडियन ओशन रीजन में है, और कल्चरल जो चीजें हैं वो भी इंडिया और साउथ कोरिया को रिलेट करती है, ये तो इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन में है जो बातचीत बदल रहे हैं उसके बारे में। और ये जो एनालिटिकल आर्टिकल्स होते हैं इनको पढ़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं बेहतर लगता है कि आप कुछ चीजें ज्यादा बेहतर समझ गए, इस वजह से भी इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उनको आपको अपने दिमाग में रखना है। अब एक बगल में एक और खबर है, ये है कि रिस्टोरिंग ऑर्डर, एशियान ने बोला है कि ये हिंदू वाले बोल रहे हैं कि एशियान ने अच्छा किया है म्यांमार को कॉल आउट करके, और जो वहाँ की जुंटा रिप्रेशन है मतलब म्यांमार में जो आर्मी है आर्मी का शासन है उसके बारे में यहाँ पे चेंज लिया है कुछ एशियान ने। अब एशियान के बारे में हमने जो बातें करी, एक ग्रुप है जिसमें कुछ की कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के और एशियन कंट्रीज हैं, वो लोग अपने तरीके से चीजें डील करते हैं, एशियान का बहुत वैल्यू है इस तरह की कंट्रीज में, खासतौर पर म्यांमार और इंडोनेशिया ये जितनी कंट्रीज हैं उनके, और अभी वहाँ की भी समिट चल रही है। तो होता क्या है कि इससे पहले जब म्यांमार में ये तख्ता पलट हुआ था तो एशियान ने कोई भी डिसीजिव स्टैंड लेने से मना कर दिया था कि वो उसके दिक्कत का मैटर है, लेकिन अभी इस समिट में कुछ वैसा हुआ है जो म्यांमार की जनता है उसके लिए भी अच्छा है और वहाँ की आर्मी के लिए बुरा है। तो एशियान ने क्या कहा है, फाइनली म्यांमार की जो मिलिट्री जान है उसको बोला है कि कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, और जो ऑनगोइंग वायलेंस है उसके बारे में भी बोला है, और 5-point कॉन्सेंसस डेवलप किया है जहाँ पे वो लोग उससे एक अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं। म्यांमार में जो सोशल सिक्योरिटी और ये सब डिक्लाइन रही है 2021 से, और एशियान ने कहा है कि जो भी वहाँ पे रूरल्स हैं उनको वायलेंस बंद करनी चाहिए और डायलॉग बनाना चाहिए।
अब एशियान के स्टैंड में जो चेंज आया है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एशियान ने पहले मेंटेन किया था कि हम जनरल के साथ इंगेज करेंगे और उनको ज्यादा गुस्सा नहीं दिला रहे थे, मतलब उनसे ऐसे नहीं बोल रहे थे कि चीजें खराब हो जाए। लेकिन स्टेटमेंट जो अभी आया है वो कहीं ना कहीं एक हार्ड स्टैंड दिखाता है और मिलिट्री को वायलेंस बंद करने के लिए बोला है। और भी एक बड़ा इवेंट हुआ है कि डिनाई किया है म्यांमार को जो ब्लॉक चेयरमैनशिप होती है, कि एशियन के विभिन्न ग्रुप्स होते हैं उनमें एक का चेयरमैनशिप इसको मिलने वाला था, उसको रोका है कि वो 2026 में नहीं मिलेगा। अब ये सब देखते हुए जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है म्यांमार में उसके बारे में बातें करिए, तो ये सब तो बातें होगी कि म्यांमार के स्टैंड में एशियन के स्टैंड में चेंज आया है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए है क्योंकि एशियन जो है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस तरह की सिचुएशन को बेटर करने में। और तो एशियन के स्टैंड से कहीं ना कहीं क्लियर स्टैंड तो नहीं है, लेकिन तब भी एक स्टैंड है जहाँ पे एक मैसेज जाएगा, जो रीजनल ग्रुपिंग है एशियन उसे परसिस्ट करना चाहिए से डिमांड से, ताकि डेमोक्रेसी वहां पे बहाल हो पाए। और म्यांमार के एरिया में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लीवरेज है जहाँ से ये अपनी बातें मनवा सकता है, इस तरह से भी इसको लिंक कर सकते हैं। अब बाकी कुछ और आर्टिकल वो देखने की कोशिश करते हैं। अब ये इशू है सब्सिडी के बारे में, कि हमें सब्सिडी के बारे में कंसर्न रहना चाहिए, जॉब्स के बारे में कंसर्न रहना चाहिए। अब जब भी हम इस तरह के मुद्दे देखते हैं हमारी बात में दो तीन चीजें आनी चाहिए। जैसे हमने एक दिन पढ़ा था इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है या एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है, जो भी खर्चे हम करते हैं दो तरह के हो सकते हैं, एक रेवेन्यू एक कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब है कि जो आप डेली ऐसा खर्चा जहाँ से कुछ चीजें क्रिएट नहीं हो रही, कैपिटल का मतलब जहाँ क्रिएट हो रही चीजें। तो जो सब्सिडी है क्या वो सही है या गलत है, इस चीज पे बहुत बार डिबेट होती है। तो एक सब्सिडी का जो लॉजिक आता है कि आप लोगों को सब्सिडी देंगे तो वो फिर चीजें लेंगे, कंज्यूम करेंगे, इकोनॉमी चलेगी। एक लॉजिक ये है कि आप उनके सोशल वेलफेयर के लिए उनकी सब्सिडी देते हैं, क्योंकि इनइक्वलिटी इतनी बढ़ चुकी है बिना सब्सिडी के काम नहीं कर पाएंगे। ये दो रीजन इस तरह से बताया जाता है, लेकिन इसके काउंटर में जो रीजन है पूरा का पूरा डिबेट उससे इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ओवरऑल क्या है कि सब्सिडी के फेवर और अगेंस्ट में दो लोग आर्ग्यू करते हैं, और सब्सिडी को जॉबलेस ग्रोथ और जॉब क्रिएशन से जोड़ के देखते हैं। एक तो हम इंडिपेंडेंट सब्सिडी के बारे में डिबेट कर सकते हैं कि सब्सिडी होनी चाहिए, लेकिन जब हम इसको जॉब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जॉब कैसे चल रही है नहीं चल रही है, वो जब आप देखने की कोशिश करेंगे तब ये इंटरेस्टिंग तरीके से हो जाएगा और बन जाएगा। तो एक आर्ग्यूमेंट क्या है कि इंडिया जो है अभी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो है लेकिन उतनी जॉब क्रिएशन इंडिया में नहीं, तो उसका रीजन सर्च करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं। उसका एक वो रीजन बताते हैं कि पार्टी हर बार जब इलेक्शन होते हैं तो नए नए प्रोमिसेस करते हैं, और इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक जो कंसर्न है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि जो पॉपुलिस्ट मेजर है पॉलिसी मेकिंग की, जैसे सब्सिडी दे देना, कोई चीज स्कीम डिक्लेयर कर देना, ये कितने सही है, और क्यों ना हम इनकी जगह जो सिस्टमिक इश्यूज हैं उन्हें हैंडल करें, उनसे उनसे डील करके उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें। पूरा डिबेट ये। फिर बात करेंगे कि जो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में उसके बारे में। अभी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक डेटा बेस आया था कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर करते हैं कैसे मेजर नहीं करते, उस पर भी क्या बातें हो रही थी। उस पर बातें ये हो रही थी इंडिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेसनेस और अनएम्प्लॉयमेंट में फर्क है, जो स्ट्रक्चरल इशूज हो सकते हैं, बहुत सारे इशूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो देखने की कोशिश करता है, राइट, कि क्या क्या नेचर है। जो कन्वेंशनल विजडम है कि ग्रोथ कहीं ना कहीं सभी बोर्ड्स को उठा देगा, सब चीज बेहतर हो जाएगी, वो चीज सही नहीं है। जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उनको उन सेक्शंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो लेफ्ट आउट हो गए हैं ग्रोथ से। और जब तक हम जॉबलेसनेस और इस तरह की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, ठीक है। फिर हम बातें करते हैं कि जो ये क्रिटिक करते हैं, एक आर्गुमेंट इसमें है कि जो पोल प्रोमिसेस हैं जैसे फॉर्म लोन जो है उनको वेवर कर देना, इसके बारे में है कि ये कहीं ना कहीं सही चीज नहीं है, ये क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। कैश ट्रांसफर कहीं ना कहीं रिलीफ प्रोवाइड करता है इन्फ्लेशन से, लेकिन ये सप्लाई साइड जो कॉन्स्टेंट है उसका उसको रिजॉल्व नहीं करता, ये एक आर्ग्यूमेंट आता है। फिर ये एक बात आती है कि क्या ओल्ड एज जो पेंशन है उसको वापस करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ओल्ड एज पेंशन के बारे में बातें करते हैं कि वो ना कहीं कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है उसको बढ़ाएगा और केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन को फायदा करेगा। फिर एक इविडेंस के बारे में बात करते हैं कि इविडेंस बेस्ड ऐसे जो पार्टीज हैं जो करती हैं कि
जो पार्टी प्रॉमिस करते हैं इलेक्शन में, ये बताते हैं कि जो पार्टी प्रॉमिस करके चीजें मतलब करती भी हैं, अगर काम भी कर देंगी तब भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बताता है कि पार्टी चुनाव जीत जाएंगी। तो ओवरऑल का आर्ग्यूमेंट जो आता है वो है कि स्ट्रक्चरल सोल्यूशन हमें चाहिए। जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो हमें लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि कैपिटल जो इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर। क्योंकि जब लेबर इंडस्ट्री पे हम फोकस करेंगे तो वहां पे लेबर जनरेट होगा ना, लेबर फोर्स के लिए काम जनरेट होगा। फिर हमें जॉब क्रिएट करनी चाहिए, साथ साथ एनर्जी जो ट्रांजिशन है उस पर जोड़ देते हो, कि ऐसे नहीं कि कहीं भी जॉब क्रिएट कर रहे हैं। और हमें अपना एम्प्लॉयमेंट जो बूस्ट करना है एमएसएमईज और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उन पर बूस्ट करना चाहिए। और फिस्कल पॉलिसी जो है हमारी वो एम करनी चाहिए कि हमारे कैसे मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। ओवरऑल जो ये है ये बोलेगा कि हमें पॉपुलिस्ट जो मेजर्स हैं डेमोक्रेसी के जो इलेक्शंस का होता है जो रिलीफ मेजर्स होता है उनके ऊपर थोड़ा सा रीथिंक करने की जरूरत है, उनसे बेहतर में मेजर्स करने की जरूरत है जो हमारे लॉन्ग टर्म में चीजें बेहतर कर पाए। फिर ये बात करेगा कि जो फिस्कल पॉलिसीज हैं वो कैसे होनी चाहिए, कि फोकस करनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस करें, जॉब क्रिएशन पर फोकस करें, और एक ज्यादा बैलेंस अप्रोच चाहिए इन चीजों को ठीक करने के लिए। अब एक और खबर है नीचे अगर जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रिक्स एंड कॉन्टेक्स में कि इंपैक्ट ऑफ आरबीआईज लेंडिंग गाइडलाइंस, कि आरबीआई ने कहीं ना कहीं अभी एक नई गाइडलाइंस दी है लेंडिंग के नाम पे। तो अब ये क्या है नई गाइडलाइंस, तो इंस्ट्रक्शन क्या दिया है गाइडलाइंस में वो बातें करते हैं। तो बरोवर्स जो है जो उधार लेते हैं वो अब फिक्स कर सकते हैं, फ्लोटिंग जो रेट है उससे फिक्स रेट में फिक्स कर सकते हैं। और ये तब होगा जब जो उधार देने वाला है वो इस चीज को अप्रूव करे, और ये ऑब्लिगेशन डाला हुआ है लेंडर पे जो भी उधार दे रहा है कि वो सारे जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन में बताए कि आप जब फ्लोटिंग से फिक्स में जाएंगे तो क्या क्या है ईएमआई और टेन्योर पे क्या क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में। और बरोवर जो है वो चूज कर सकता है ईएमआई ऑप्शन या एक्सटेंड टेन्योर ऑप्शन। तो टेक्निकल बातें हैं, ठीक है। आपको कुछ जो की बातें समझनी है वो है कि फिक्स्ड रेट क्या होता है, मतलब फिक्स्ड क्या होता है, फ्लोटिंग क्या रेट होता है, इनमें फर्क क्या होता है। फिक्स रेट का मतलब है कि एक ऐसा रेट जो सेम रहे थ्रू आउट द टेन्योर और एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है प्लानिंग के रूप में कि प्लानिंग आपकी हो पाई या नहीं हो पाई। लेकिन जब दूसरे एस्पेक्ट जो आपके हैं उसके बारे में हम बातें करते हैं वो अगर हम देखेंगे कि दूसरे जो एस्पेक्ट हैं उनके बारे में जब हम देखेंगे तब हमको पता लगेगा कि कैसे आप उन चीजों को लिंक कर सकते हैं। तो एक तो हो गया कि फिक्स्ड है तो आप प्लानिंग कर पाएंगे बेहतर, फ्लोटिंग का मतलब है कि जो मार्केट कंडीशंस हैं उनके हिसाब से आप चीजें करते हैं, वो कैसे चीजें हो रही है नहीं हो रही उनको कैसे। और जो रिस्क है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का घटने का फ्लोटिंग वाले में, वो कहीं ना कहीं लेंडर्स को थोड़ा सा और दोनों को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, डायनेमिसिटी ला देता है इसके बारे में। आरबीआई का जो स्टेटमेंट है नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन के ऊपर की इम्प्लीकेशंस भी क्या है, अभी जो लेंडिंग का गाइडलाइन है इसके बारे में ज्यादा ध्यान से उतना नहीं पड़ता है, की पॉइंट्स जो आपको है वो आप कीप कर सकते हैं। लेकिन एक सिमिलर लेंडिंग का गाइडलाइन आरबीआई ने डायल किया था, लगाया था अभी डिजिटल पेमेंट को लेकर, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल पेमेंट को लेकर आईडी और जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी वो क्या क्या थी, कौन लेंड कर सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बेहतर है, रिड्यूस करेगा बर्डन, टाइम सेव करेगा, ये सारे एस्पेक्ट उसमें जुड़ रहे थे। और बहुत सारी चीजें बताई थी कि इस गाइडलाइंस के तहत कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और उसमें की एस्पेक्ट भी थे जैसे थर्ड पार्टी इंक्लूजन के बारे में था, फी चार्जेस के बारे में था, लोन डिस्क्लोजर के बारे में था। इस तरह की जो गाइडलाइंस होती है वो कहीं ना कहीं मनी मार्केट या बैंकिंग का पूरा सिस्टम जो है उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है, उसको कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं उसके बारे में था। तो ये तो जिस तरह से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आरबीआई का जो लेंडिंग है उसके बारे में हम पूरी बातें समझ सकते हैं इससे। अभी और भी आर्टिकल्स हैं जो हमें देखने चाहिए, उनमें से एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, वर्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब है। एक हीट वेव का कॉन्सेप्ट तो आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया है कि हीट इंडेक्स के बारे में, कि हीट इंडेक्स क्या होता है, क्या वास्तव में टेम्परेचर मेजर करता है कि कितना टेम्परेचर आप फील करते हैं उसके बारे में ये होता है, वो चीजें आपको जाननी। तो ये हीट इंडेक्स जैसे आप बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं वैसे एक मेजरमेंट का तरीका है हीट इंडेक्स, कि आप कैसा कोई फील कर रहा है उसके बारे में है। और ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है जहाँ पे हम जानते हैं कि
ईरान के बारे में एग्जांपल लेके एक समझाया मतलब समझाया हुआ है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से जो हीट थी वो बहुत ज्यादा फील हो रही थी। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे रॉबर्ट स्टीडमैन ने दिया है और इस कॉन्सेप्ट को बारे में बस आप फ्री के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या क्या है। फिर एक बात यूक्रेन वॉर के बारे में है कि रसिया कहीं ना कहीं आर्म परचेजेस कर रहा है नॉर्थ कोरिया से। अब इस खबर को आप देखिए कि रसिया क्या है, यूएन का पार्ट है और यूएन का पार्ट होने के साथ साथ जो इंडिया और रसिया के बीच में चीजें चल रही हैं या वर्ल्ड लेवल पे रसिया और यूएसए के बीच में चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से इस इवेंट को देखते हैं। तो रसिया जो है नेगोशिएट कर रहा है आर्म ट्रांसफर नॉर्थ कोरिया के साथ ताकि उसको सप्लाई कर सके और नॉर्थ कोरिया और दोनों एक दूसरे से डिफेंस पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जैसा कुछ रिपोर्ट बता रही है कि नॉर्थ कोरिया ने ऑलरेडी बहुत सारे म्यूनिशन और रॉकेट रसिया को प्रोवाइड कर रहे हैं और वैगनर ग्रुप को प्रोवाइड कर रहा था और ये वायलेशन है जो यूएन सैंक्शंस लगी थी नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट कि वो अपने वेपन प्रोग्राम को डेवलप नहीं करेंगे न्यूक्लियर डील के ऊपर या न्यूक्लियर जो चीजें चल रही थी उसके ऊपर। रसिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जब रिलेशनशिप देखेंगे तो पहले भी बताया जा चुका है कि रसिया जो है यूएसएसआर खासतौर पर वो नॉर्थ कोरिया के क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो यूएसए और रसिया के बीच में जो वॉर था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में कन्वर्ट होती है वो, और इस तरह से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है नॉर्थ कोरिया जनरेट कर रहा है वो कहाँ यूज कर रहा है क्या इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस है। तो ये कहने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्लोबल लेवल के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम होते हैं। अब एक दो खबर और देखते हैं। इसमें से है कि इंडिया कीन है क्वाड लीडर्स को रिपब्लिक डे परेड में बुलाने के लिए। अब यूएसए क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, जैसे जब से G20 आ रहा है G20 आने के साथ यूएसए के बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं इंडिया के बारे में इंडिया के सिचुएशन के बारे में। क्या ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के लिए खतरा नहीं है? इस तरह से आपको देखना है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का स्पेस है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के बारे में बात है। इंडिया अपने सारे डिसीजन खुद से लेगा। अब उस दौर में यूएसए जैसी कंट्री जिसकी खुद की फॉरेन पॉलिसी के अलग अलग प्रियोरिटीज, इंडिया की प्रियोरिटी साउथ एशिया है, इंडिया का ट्रेड डील है, क्लाइमेट है, पॉवर्टी है, यूएसए इंडिया को साउथ चाइना सी वाले जोन में ड्रैग करना भी चाह रहा है और उसको बेनिफिट लगता है कि इंडिया का वो अलायंस के साथ इंडिया वर्सेस चाइना में अपना बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस तरह से एनालाइज करेंगे। फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया का जो की पॉइंट है वो है कि हमें ग्लोबल साउथ की प्रियोरिटी को ध्यान देना है, हमें पॉवर्टी और डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, इस तरह की चीजों को रखना है और यूएसए और कोड क्वाड का जो रिलेशन है साउथ चाइना के सी में या चाइना से भी वो आप देख सकते हैं। फिर जो G20 के बारे में खबर है, जापान जो है इंडिया को बैक कर रहा है, चाइना को नहीं सपोर्ट कर रहा है कि मतलब ये जो आस्पेक्ट है ना पूरे G20 का इसमें ग्लोबल साउथ वाली डिमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट कि जापान को लग रहा है कि इंडिया जो है वो ब्रिज कर सकता है जो ग्लोबल साउथ है उसके पूरे लोगों को एक साथ मिला के चलने की जो काबिलियत है वो इंडिया में है, जापान में वो चाइना में नहीं है। और ये इंडिया का सॉफ्ट पावर दिखाता है। इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन भी इन्वॉल्व होगी लेकिन इंडिया की इमेज कैसे जा रही है जापान में या बाकी जगह, या G20 के बाद इंडिया की इमेज को क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में हम बातें कर सकते हैं और G20 इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ाने में क्या योगदान दे सकता है उसके बारे में बातें कर सकते हैं और क्या क्या इस समिट में हो सकता है उसके बारे में बहुत ज्यादा होप है कि क्लाइमेट में शायद कुछ आउटकम निकल के आए, एनर्जी के बारे में कुछ आउटकम निकल के आए। ये सारी चीजें चल रही होंगी लगातार ऐसे ही। फिर बांग्लादेश की जो PM है उनका है कि वो चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना, सऊदी क्राउन प्रिंस है उनसे मिलना उनकी पहली प्रियोरिटी में है, जो दिल्ली का उनका एजेंडा है कि यहाँ के वो क्या करेंगे। तो सबके अपने अपने प्लान है। तो ये तो बातें हुई। फिर मोदी और बिडेन जो है वो ट्रेड इशूज डिस्कस करने वाले हैं, जेट इंजन डिस्कस करने वाले हैं, ड्रोन डील डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रेड जो इंडिया और यूएसए का है उसके ऊपर काफी बातें होने वाली है। फिर सेंटर ने कुछ बायर्स जो है सेलर्स हैं उनके बारे में बातें करी है। ये तो कुछ खास बातें हैं। और जो हम लोग बातें कर रहे थे खासतौर पे ये वीक जो है ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आज भी जितनी खबर हमने देखी है उनमें IR के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग खबर रही है। एशियान समिट में क्या क्या हुआ है वो बातें जानी है। इंडोनेशिया ने वार्न किया है कि कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं शुरू करना है।
और यूएस चाइना एशियान में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां की चीजों को कैसे बदलना है वो आपको याद पता होना चाहिए। एशियान ने म्यांमार पे क्या स्टैंड लिया है, इंडिया एशियान रिलेशनशिप को लेकर क्या प्रोग्रेस हो रही है, एशियान इंडिया से फ्री ट्रेड के बारे में क्या कंसर्न है क्या नहीं ये पता होना चाहिए, एशियान में कौन से देश हम इस बारे में बातें कर सकते हैं। फिर फिलीपींस जो है उसने जो साउथ चाइना सी में कुछ वेसल्स हैं मिलिट्री वेसल्स हैं उनको लेके एतराज जताया है। अभी जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का जोन था जहाँ पे हमारा ज्यादा ध्यान जाता था वो था मिडिल ईस्ट, कोई भी चीज होती थी आईसिस है कोई भी क्राइसिस है ईरान है इराक है इसराइल है सारा ध्यान मिडिल ईस्ट पे जाता था। अब क्या है जब एशियन सेंचुरी हो रही है हम लोग इंडिया चाइना ऐसी कंट्रीज निकल के आ रही हैं, तब अब साउथ चाइना सी साउथ एशिया ये सब फोकस पे रहेगा, इसलिए इंडिया को इंटीग्रेट पार्ट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन चीजों को करना चाहिए। इंडिया और EU ने ज्वाइन किया है साइंस प्रोग्राम, ये बातें हैं, फिर इन्फ्लेशन के बारे में है चीजों के बारे में, फिर मैं चौरी सारी बातें, ये तो था आज का जो की डिबेट्स की अंडरस्टैंडिंग थी। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो था हैप्पी मोहन जैकब का जो साउथ कोरिया की पॉलिसी के बारे में था, स्टैंडिंग के बारे में, जो लैंग्वेज वाला आर्टिकल था वो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल था कल्चरल डाइवर्सिटी के नाम पर वीडियो को बचाने के लिए, और भी कुछ जो आर्टिकल्स हैं जो हमने देखे हैं उनको आपको लिंक करना है। जैसे सब्सिडी वाला आर्टिकल है इकोनॉमिक डोमेन से GS3 के हिसाब से काफी अच्छा आर्टिकल है कि कैसी ग्रोथ हमें करनी चाहिए, अगर आपसे कोई एक सवाल पूछे कि इंडिया को कैसा ग्रोथ मॉडल फॉलो करना चाहिए। तो उस ग्रोथ मॉडल के ऊपर आप बातें कर सकते हैं कि इंडिया को कैपिटल इंटेंसिव और कैपिटल भी कहाँ लगानी है उसके बारे में आर्ग्यू करता है कि अगर आपको जॉबलेस ग्रोथ करनी है तो आप कहीं भी लगाओ, लेकिन अगर आपको जॉब वाली ग्रोथ क्रिएट करनी है या वैसी ग्रोथ चाहिए जहाँ पे जॉब क्रिएशन हो लोग अनएम्प्लॉयड ना हो तब कहीं ना कहीं आपको फोकस करना पड़ेगा जो लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं वहाँ पे, और वो कैसे क्रिएट होंगी अगर आप जो स्मॉल और मीडियम सेक्टर्स हैं वहाँ पे पैसा लगाएंगे या बाकी जगह पे पैसा लगाएंगे जो इस तरह के जॉब हैं तब आपकी इस तरह की जॉब क्रिएट होगी। फिर जो काउंटर्स हैं कि क्या अभी तक की जो पॉलिसी है सक्सीड करी है, फिर ये जो आर्टिकल्स हैं ये जो खासतौर पर सियोल वाला इंडो पैसिफिक वाला ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई भी सवाल जो साउथ कोरिया पे आता है उससे रिलेट कर सकते हैं, साउथ चाइना सी से आता है या जापान और एशियन सेंचुरी के बारे में आता है, एशियान ने जो किया है उसके बारे में बात है, इंडिया G20 के थ्रू क्या कर रहा है, ये आर्टिकल है डिसअपीयरिंग लैंग्वेजेस के बारे में, ये तो बातें रही आज के द हिंदू के आर्टिकल में। कल हम लोग जब बातें करेंगे तो सिमिलर जो आर्टिकल्स हैं उनको पिक करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और लगातार ऐसे जो कॉन्टेंट हैं आप खासतौर पर इनमें से कुछ पॉइंट जो होते हैं प्री के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं मेन्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको सारी चीज़ों को समझना है लिंक करना है और कोशिश करना है कि चीज़ों को आप समझ के जो भी आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं उससे कनेक्ट करके आप देखेंगे तो बेहतर रहेगा। प्री के हिसाब से ये शेरपा वर्ड आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं मीटिंग कैसे होगी, और बाकी फ्लैग सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है G4 क्या है G20 G7 क्या है वो सारी बातें कर सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही, कल मिलते हैं नए न्यूज़पेपर के साथ नई बातों के साथ, तब तक के लिए।